का नमाज की तैयारी कर रहा हूँ और ये देखें सिलेंडर की अहमियत, इससे आप अपना वजू कर सकते हैं, पानी गर्म करके हाथ करेंगे। अगर ये सिलेंडर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपकी बहुत सी हसास जगह जो है ना वो सुन्न हो जाएंगी, तो इसका होना भी सफ़र में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त हरचिन गांव में मौजूद हूँ जो कि चित्राल से 125 किलोमीटर के फासले पे है। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं, सारी रात बारिश होती रही है, तो सुबह मैंने यहाँ से वापस लाहौर का सफ़र इख्तियार करना है और पहले मैं चित्राल जाऊँगा। सुबह जो है वो मैं आपको यहाँ के कुदरत के नज़ारे दिखाऊँगा क्या है, अल्लाह ने यहाँ पे कितने रंग बखेर रखे हैं, तो सुबह देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ नॉर्थ की तरफ, मैं तकरीबन हर इलाके की तरफ घूम चुका हूँ। तो पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि जो खुशी मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि खुशी को बांटना चाहिए। तो इस वक्त बारिश हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे थोड़ी देर बाद सूरज निकलेगा फिर मुलाकात करते हैं। क्या बात है, सारी रात बारिश होती रही है, अभी जैसे रोशनी निकलेगी तो पहाड़ों को देखेंगे हम कि वो बर्फ से सफेद हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। ओह, इधर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, मेरी कालों पे भी बर्फ पड़ रही है। वाह, ओ बेगम भी उठ के आ चुकी है। सुबह कराऊंगा तारफ बेगम से, बगैर मेकअप के तारफ नहीं हो सकता। अभी फिलहाल आप कालों का तारफ लें। क्या बात है यार, हरचन में बर्फबारी, मौसम बहुत इस वक्त अबरालूद लग रहा है। क्या बात है यार, आज चित्राल निकलने वापस, देखते हैं मौसम की सूरत हाल क्या बनती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। अल्लाह अकबर।